हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सी स्नैक्स बनाई हूँ। ये स्वीट स्नैक्स है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसका नाम मुझे बताइए। इसे तो मैं खजूर बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं? इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं मीठा स्नैक्स बोल सकते हैं, ये हम खजूर भी बोलते हैं इसे। बहुत तरह से अपने अपने हिसाब से बहुत तरह से नाम देते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इसको किस नाम से बुलाऊं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी स्नैक्स, हमारे यहाँ इसे खजूर बोलते हैं। तो उसके लिए हमने इस बाउल से, दो बड़े बाउल मैंने मैदा लिया है। तो इस मेजरमेंट सारा मैंने एक बाउल से ही किया हुआ है। ये इस बाउल से मैंने दो मैदा, उसका आधा मैंने ये रवा, बारीक वाली रवा ली है। अगर बारीक रवा नहीं है फ्रेंड तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला करके इसे आप बारीक कर लीजिए। थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जो चाहिए उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो हमने बादाम को इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और ये चावल का आटा है, तो जितना हमने रवा लिया है उसका आधा हमने चावल का आटा लिया है। तो ये मेजरमेंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये है इलायची पाउडर, ये हमने तीन से चार इलायची को कूट करके पाउडर बना ली हूँ, इसे डाल दूंगी। ये है तिल, ये व्हाइट तिल है, इससे बहुत अच्छा और काफी टेस्टी बनता है। तो ये व्हाइट तिल ली हूँ, इसे भी ऐड कर दूंगी। ये हमने खसखस लिया है, ये ऑप्शनल है, अब डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बड़े चम्मच हमने यहाँ पे देख सकते हैं हमने खसखस लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हमने ये बेकिंग सोडा लिया हुआ है, बेकिंग सोडा बहुत ही कम, एक पिंच हमने ली हुई हूँ, इसे इस तरह से इसमें डाल दूंगी। एक बाउल चीनी, चीनी ज्यादा लेने से वो आपका सही नहीं बनेगा, वो टूटने लगेगा। तो चीनी की क्वांटिटी ज्यादा ना रखे और इतना भी कम ना रखे कि ये मीठा ना बने। तो हमने एक बाउल चीनी ली हूँ, इसे ऐड कर दूंगी। इन सबको ऐड करने के बाद पहले तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो भी है मिक्स हो जाए। इस तरह से आप बना के देखिए फ्रेंड, बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बनेगा। अब हम इसमें डालूंगी घी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट नहीं सॉरी, मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊंगी। अभी तो मैंने दो बड़े चम्मच डाली हुई हूँ। डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसमें मोयन बोलिए घी डालेंगे, वो आपको अभी नहीं, बाद में ये मिक्स करने के बाद ही समझ में आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये इस तरह से हुआ है, लेकिन ये ऐसे बाइंड करने पे ये बाइंड नहीं हो रहा है, देख सकते हैं कि ऐसे ही एकदम खुला खुला रह जा रहा है। तो थोड़ा सा घी मैं और ऐड करूंगी, एक चम्मच और घी ऐड करूंगी और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। इतना होना चाहिए फ्रेंड्स मोयन, ये ध्यान रखना है कि जब इसे बाइंड करके जब मुट्ठी बांधू तो अच्छे से वो बाइंड हो जाए, बाइंड मतलब थोड़ा सा वो मुट्ठी अच्छे से बन जाए। तो इसे हम मिक्स करके फिर बात करते हैं आपसे। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको जब हम इस तरह से बाइंड करेंगे तो इस तरह का बनना चाहिए और ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बस इतना रखना चाहिए कि देखिए इस तरह से जब तोड़े तो आप इस तरह का होना चाहिए। ये बाइंड होना ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बनने का एक ट्रिक बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप जरूर कीजिए।
अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी। ये हमें ज्यादा गीला नहीं करना है, बस सख्त डो बना करके रेडी कर लेना है। तो इसे गून लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो इस तरह से हमने इतना सख्त डो बना करके रेडी कर ली हूँ। तो ये इस तरह का होना चाहिए, इतना सख्त। अब हम इसका एक पोर्शन लेंगे, इतना बड़ा पोर्शन उठाएंगे। इसको हम ज़्यादा अभी मसलना नहीं है फ्रेंड्स, मसलेंगे तो इसमें जो हमने वो बेकिंग सोडा डाला हुआ है वो जो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से स्पंज जो जाली जो बना है, अगर ज़्यादा आप मसलेंगे तो ये जो है वो पूरा स्पंज जो है वो पूरा बैठ जाएगा। तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और इसे भी हम ज़्यादा नहीं मसलेंगे। तो इस तरह का इतना मोटा हमें रोल तैयार करना है। फ्रंट का निकाल दूंगी कट करके थोड़ा सा। सेप आप जैसा चाहे फ्रेंड वैसा बना सकते हैं। तो मैं इस तरह का बना रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से हमें सारे को टुकड़ों में कट कर लेना है। इतने बड़े बड़े इतने मोटा होना चाहिए ये। अभी इतना दिख रहा है ना, फ्राई होने के बाद थोड़ा और ये अच्छे से फूल जाएगा। तो इसी तरह से हम सारा कट करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे टुकड़ों को आटे को इस तरह से हमने काट के रेडी कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं, जैसा चाहिए उस हिसाब से। मुझे ये बहुत ही इजी लगता है और बहुत आराम से बन भी जाता है, फटाफट बन जाता है। तो इधर हमने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दी हूँ। अच्छा सा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, एक बार चेक करना है थोड़ा सा डाल के। ये इस तरह का होना चाहिए। तो अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम में नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे एक 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 करके इसी तरह से तेल में छोड़ दूंगी। एक साथ जितना आ सकता है उस हिसाब से डाल दूंगी। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं, नहीं तो ऊपर से आपको अच्छा सा कलर दिख तो जाएगा लेकिन अंदर से वो पूरा पकेगा नहीं। तो उसी हिसाब से आप गैस की फ्लेम रखिए। एक साथ हमने इतने सारे डाल दिए, तुरंत टच नहीं करना है, कम से कम एक मिनट इसी तरह से आप छोड़ दीजिए, फिर इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसे मैंने पलट पलट कर इस तरह से एकदम ही गोल्डन ब्राउन कर ली हूँ। ये पूरा पूरी तरह से ब्राउन नहीं होगा क्योंकि ये मैदे का बना हुआ है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने मैदे का यूज किया है फ्रेंड। मोस्टली घर में मैं आटे का ही यूज करती हूँ, आटे से ही बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बनता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल रोकते हुए मुझे सारा निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा सा हमने इधर बना करके रेडी किया हुआ है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम में तो बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड। तो कितना अच्छा सा कलर भी आया है, और देख आपको दिख रहा है कैमरे में कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया और काफी जालीदार दिख रही है। बहुत अच्छा सा बनकर रेडी हुआ है। आपको ठंडा वाला जो है उसे तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया सा बन करके रेडी हो गया फ्रेंड। और बनाने में भी देख सकते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट बन गया। इसे गूंद करके आप छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़ देंगे तो जो चीनी है वो मेल्ट होने लगेगा और मेल्ट होने के बाद वो पानी पानी सा हो जाएगा। तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए सारा को इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा सा कलर भी आ गया है, बहुत टेस्टी। जो ठंडा है उसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा खुशखुशा सा बना है ना। इसे आप इस तरह से एकदम आराम से इसे तोड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा एकदम मैसी और क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट और काफी अच्छा बन करके रेडी हो गया है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए फ्रेंड्स कि आपको इस तरह से मेरी रेसिपी कैसी लगती है।
आप भी ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर जरूर दीजिए कि इस तरह से मेरी रेसिपी बना करके आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनी है फ्रेंड, इसे ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे बहुत सारे रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे एक बार चैनल विजिट जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।